हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बेटा, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 61 जो कि बात करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में। ओके, तो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। ओके बेटा, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है बेटा? 54, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। 54 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है बेटा? 54। जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास टोटल मेंबर्स की संख्या है कितनी? 1515। जिस तरह से जनरल असेंबली में संख्या है 193, उसी तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो मेंबर्स हैं टोटल, वो है 54। और इसी पहले पॉइंट के अंदर आपको दूसरा जवाब भी मिलेगा कि ये जो 54 मेंबर्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, उनका इलेक्ट कौन करता है? तो उनको इलेक्ट करने का काम करता है जनरल असेंबली। ठीक है, तो बेटा दो पॉइंट क्लियर। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में मेंबर्स कितने? 54। चुन कौन रहा है? जनरल असेंबली। हो गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पैरा 3, 18 members of the Economic and Social Council shall be elected for a term of 3 years and these 8 members are elected each year. Okay, तो total मैंने आप लोगों को क्या strength बताई है बेटा Economic and Social Council में? Total कितने हैं? 54। और हर साल each year कितने elect होते हैं बेटा? 18 members elect होते हैं। हर साल कितने members elect होते हैं बेटा? हर साल 18 members। Okay, लेकिन बेटा यहां पे आप जैसे देख रहे होंगे, यहां पे मैंने 18 लिखा है आप लोगों का, ठीक है? लेकिन यहां 8 लिखा हुआ है गलती से, ये देख पा रहे होंगे आप, गलती से 8 लिखा है। 18 कर दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है? कितने हर साल कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बेटा? 18 मेंबर्स। टोटल स्ट्रेंथ है 54, जनरल असेंबली इलेक्ट कर रहा है, और हर साल कितने? 18। कितने साल के लिए 18 होते हैं बेटा? शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, ठीक है बेटा? 3 साल के लिए। हर साल कितने? 18। टोटल 54 किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अ रिटायरिंग मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। और जैसे ही कोई मेंबर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से रिटायर होता है तो वो इमीडिएटली तुरंत री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाता है बेटा, ठीक है? ओके, ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल। हर एक मेंबर का, जैसे कि 54 है ना टोटल स्ट्रेंथ बेटा, तो 54 में से हर एक मेंबर का कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे बेटा? एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे मान लीजिए भारत है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में एज अ मेंबर है, 54 में से एक मेंबर भारत भी है, एक चाइना भी है, तो बेटा इन सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे, कितने प्रतिनिधि होंगे वहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में बेटा? कितने? एक, ठीक है? एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ द इकोसॉक इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। ओके, अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है ये कितने साल के इलेक्ट होता है बेटा? 1 year के लिए। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है। अगला पॉइंट, द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव नो प्रिविलेज पोजिशन इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर होते हैं उनमें से जो 5 होते हैं उनके पास क्या होता है बेटा? क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है तो उनके पास वीटो पावर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की तो यहां पे कोई प्रिविलेज नहीं है। वो 5 परमानेंट मेंबर वाला जो सिक्योरिटी काउंसिल में होता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो प्रिविलेज व्हिच इज गिवन टू द परमानेंट मेंबर। यहां पे सब बराबर है, सब इक्वल है, ठीक है बेटा? जिस तरह से जनरल असेंबली में सब इक्वल होते हैं। तो ये है चीज है बेटा, क्या क्या चीज है यहां तक क्लियर हो गई बेटा? रिवाइज आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 54। हर साल कितने चुने जाते हैं? 18। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कौन चुनता है? जनरल असेंबली। प्रेसिडेंट कितने समय के लिए चुना जाता है? 1 साल के लिए। क्या री इलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इमीडिएट री इलेक्शन हो सकता है। हर एक मेंबर के कितने प्रतिनिधि हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव है?
वन रिप्रेजेंटेटिव है। क्या परमानेंट मेंबर जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, क्या वैसा कुछ यहां पे है इकोनॉमिक या सोशल काउंसिल में? क्या कोई प्रिविलेज है? इज देयर एनी प्रिविलेज व्हिच इज गिवन? नो। ओके बेटा, ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक सजेशन लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल को लेके जिस तरह से एक चीज कही गई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है बेटा? 15 है। लेकिन जब मैंने सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि एक सजेशन दी गई है, ये कहा जाता है कि क्यों ना सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की स्ट्रेंथ जो कि 15 है उसे 25 कर दी जाए। उसी तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को लेके भी ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेंथ 54 है क्यों ना उसे भी 25 कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 54 टू 25 देन इट विल बी मोर इफेक्टिव, ज्यादा बेहतर इफेक्टिव, ज्यादा असरकारक हो सकता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अगर उसकी स्ट्रेंथ को 54 से सीधा 25 तक पहुंचा दिया जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा होगा ये नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये एक सजेशन है। ओके, अब प्रश्न ये है कि जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था, हमने क्यों बनाया था सिक्योरिटी काउंसिल? हमने इसलिए बनाया था ताकि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन हमने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्यों बनाया, उसको बनाने का क्या पर्पस है? तो यूनाइटेड नेशंस का अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, People of the United Nations are determined to promote social progress and better standards of life in larger freedoms. हम लोगों ने कहीं ना कहीं सामाजिक विकास, social progress का हिंदी क्या होता है बेटा? सामाजिक विकास को लेकर बात रखी। हमने कहा कि लोगों का better standard of life हो, freedom हो, और उस freedom को exercise करते करते लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपना social progress यानी सामाजिक विकास करें। ये preamble में कहा गया। प्लस आर्टिकल 1 के पैरा 3 में हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, अंतरराष्ट्रीय एकजुटता चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय एकजुटता, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमें चाहिए सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमें चाहिए कल्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमें ये चाहिए। और लोगों के ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो, फंडामेंटल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट हो, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, रिलीजन, ये कुछ भी ना देखा जाए और चीजें की जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? तो देखिए बेटा, सीधी सी बात है, यूएन के प्रीएम्बल को पूरा करने के लिए आर्टिकल 1 पैरा 3 में जो लिखा है, जो मैंने अभी जस्ट बताया, जो मैंने पूरा पढ़ा, सामाजिक पूरी दुनिया में एकजुटता लाना और इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस करना, इस प्रीएम्बल के पर्पस को पूरा करने के लिए, आर्टिकल 1 पैरा 3 को करने के लिए, इन पर्पसेस को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को बनाया गया, ताकि इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो सकें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके बेटा, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं वोटिंग की तरफ। तो वोटिंग के लिए बना है आर्टिकल नंबर 67। आर्टिकल 67 क्या कहता है बेटा यूएन चार्टर का, कि ईच मेंबर ऑफ द इकोसोक शैल हैव वन वोट, यानी 54 मेंबर्स में से 54 वोट्स हर एक कंट्री की तरफ से, हर एक मेंबर की तरफ से एक प्रतिनिधि होगा, और वोट कितने होंगे? एक होंगे। जाहिर सी बात है, यहां पे कोई वीटो पावर वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नो प्रिविलेज व्हिच इज गिवन टू द परमानेंट मेंबर्स, ऐसा कुछ यहां पे है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने भी आए हैं उनमें से जितने वोट करेंगे उस हिसाब से मेजोरिटी को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 67 बात करता है वोटिंग की, हर एक स्टेट, हर एक मेंबर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक वोट होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर्स आए हैं वो जिस हिसाब से प्रेजेंट हैं और वोटिंग काउंट होगी। ओके, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये क्या कहता है बेटा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्टिकल नंबर 62 नोट कर लीजिएगा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मे मेक और इनिशिएट स्टडीज एंड रिपोर्ट्स विथ
रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एजुकेशनल हेल्थ एंड रिलेटेड मैटर्स। क्या मतलब है बेटा? वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इकोसो कब मैं कहूंगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। इकोसो का काम क्या है कि स्टडी करे। स्टडी करे यानी क्या? स्टडी आप लोग घर पे करते हैं ना, रिसर्च करना, रिसर्च करे, थोड़ा स्टडी करे और रिपोर्ट तैयार करे किस चीज के रिलेटेड। देखो इकोसो को बनाया था किस लिए? सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना। तो सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल एजुकेशनल हेल्थ से संबंधित जितने भी मामले हैं इंटरनेशनली, उन सभी मैटर्स को स्टडी किया जाए, रिपोर्ट तैयार की जाए। ये काम किसका है? इकोसोक का है। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को बनाने के पीछे का पर्पस बताया था ना मैंने, तो सीधी सी बात है आपको स्टडी करना होगा सोशल प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को, कल्चरल प्रॉब्लम को, एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टडी करिए और उन पे रिपोर्ट तैयार कीजिए। और रिपोर्ट तैयार करके करना क्या है ये भी देखो। इट में मेक रिकमेंडेशन विथ रिगार्ड टू सच मैटर टू द जनरल असेंबली एंड टू द स्पेशलाइज एजेंसीज कंसर्न। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ बेटा? जब तक आप क्या नहीं करोगे, ये देखिए क्या लिखा है, स्टडी, स्टडी नहीं करोगे सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल मैटर्स को, आपको स्टडी करना है, रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के बाद क्या करोगे? रिकमेंडेशन करोगे, सुझाव दोगे बेटा। जब तक आप सामाजिक मुद्दों को नहीं पढ़ोगे, जब तक उस पर रिपोर्ट नहीं बनाओगे, तब तक क्या सुझाव दोगे? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है बेटा इन मुद्दों को पढ़ने के बाद, रिपोर्ट तैयार करने के बाद रिकमेंडेशन देंगे, सुझाव देंगे। और ये सुझाव किसको देंगे? जनरल असेंबली को देंगे और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जितनी भी हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जैसे अगर हेल्थ से संबंधित कोई मैटर पर स्टडी किया है और उस पर रिपोर्ट बनाई है, तो उसका जो रिकमेंडेशन है, सुझाव है, वो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, क्योंकि वो क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना यूएन की। ये यहाँ पे कहा गया है। ओके, और क्या करेगा इकोसोक बेटा? हिट में एक रिकमेंडेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, उसके लिए सुझाव देगा और फंडामेंटल फ्रीडम्स के लिए। ये इस पॉइंट को मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा एलेबरेट करने की जरूरत है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ओके, बहुत सिंपल सा पॉइंट है वैसे भी। इट में प्रपोज्ड ड्राफ्ट कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब जानते हो बेटा? बताया था मैंने, ट्रीटी, ट्रीटी बिटवीन स्टेट। और ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट, जिस तरह से मैं और आप एग्रीमेंट करते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे जब स्टेट्स के बीच होता है तो ट्रीटी कहते हैं, कन्वेंशन। तो बेटा ड्राफ्ट कन्वेंशन तैयार करेगा कौन? तैयार कर सकता है। इट में प्रिपेयर ड्राफ्ट कन्वेंशन। ड्राफ्ट कन्वेंशन प्रिपेयर करने का भी कहीं ना कहीं फंक्शन पावर है किसका? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। फॉर सबमिशन टू द जनरल असेंबली ऑन एनी सब्जेक्ट फॉलिंग विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। क्या मतलब है इसका? ऑन एनी सब्जेक्ट फॉलिंग विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। कन्वेंशन को, ट्रीटी को, एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करेगा, लेकिन हर ट्रीटी, हर एग्रीमेंट को नहीं, उन मुद्दों पे जो मुद्दे उसके दायरे में आते हैं, जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, ऐसे मुद्दों को लेकर बेटा कन्वेंशन को ड्राफ्ट करेगा, ट्रीटी को ड्राफ्ट करेगा और वो सबमिट कर देगा किसको? जनरल असेंबली को। अब क्या लिखा है? इट मे कॉल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैटर्स फॉलिंग विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। फिर फॉलिंग विद इन इट्स कॉम्पिटेंस यानी भाई काम क्या? इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का, जाहिर सी बात है, इकोनॉमिकल मैटर और सोशल मैटर्स। तो ऐसे मुद्दों को लेकर अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो बुलाई जा सकती है बेटा, कर सकता है ये। और क्या करेगा? कन्वेंशन प्रिपेयर कर रहा है, कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, स्टडी कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, रिकमेंडेशन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है देखिए इकोसोक। ओके, द काउंसिल में ऑल्सो फर्निश इंफॉर्मेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड असेस द सिक्योरिटी काउंसिल अपॉन इट्स रिक्वेस्ट। आर्टिकल 65, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आर्टिकल 65 क्या कहता है? कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की सहायता करेगा। यहां तक कि सहायता ही नहीं बल्कि
सिक्योरिटी काउंसिल की सहायता भी करेगा, और सिक्योरिटी काउंसिल को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। और ध्यान रहे यहाँ पे मे वर्ड यूज हुआ है, मे एम ए वाई, यानी बाउंडेशन नहीं है। चाहे तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो इन्फॉर्मेशन भी देगा किसको, सॉरी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, किसको इन्फॉर्मेशन देगा, सिक्योरिटी काउंसिल को, तथा उसकी सहायता भी करेगा, आर्टिकल 65। ओके आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमी इकोसॉक शैल परफॉर्म सच फंक्शंस एज फॉल विद इन इट्स कॉम्पिटेंस इन कैरिंग आउट रिकमेंडेशंस ऑफ द जनरल असेंबली। ओके जनरल असेंबली को बेटा, कई जनरल असेंबली, आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि जो इकोसॉक है हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, जो भी काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कर रहा है एक्चुअली में, वो सारा काम इकोसॉक जनरल असेंबली के अंडर में रह के करता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इकोसॉक जितने भी काम करता है वो जनरल असेंबली के अंडर में रह के करता है। तो अगर जनरल असेंबली ने अगर कोई सुझाव दिया है, अब आप लोग कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि सुझाव इकोसॉक देता है, ठीक है, जो मुद्दे उसके अंडर में आते हैं इकोसॉक उस मुद्दों पर सुझाव जनरल असेंबली को देता है कई बार, लेकिन जनरल असेंबली भी सुझाव देता है इकोसॉक को, और उन सुझावों पे किसको काम करना है, इकोसॉक को काम करना होगा, ठीक है, उन मुद्दों पे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को अभी अभी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में बताया था, यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 64 क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मे टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू ऑब्टेन द रेगुलर रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यानी क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब वो ये हुआ कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे कि WHO, तो इन सबसे रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है, इन सबसे रिपोर्ट ले सकता है। कौन रिपोर्ट ले सकता है बेटा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस है बेटा इकोसॉक के। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए इकोसॉक के जो सेशन होते हैं साल में दो बार, ठीक है, रेगुलर सेशन इकोसॉक के कितने होते हैं बेटा, साल में दो बार, ट्वाइस इन अ ईयर दो सेशन साल में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कितने सेशन होते हैं, अगर ये सवाल पूछूं तो क्या जवाब होगा आपका, साल में दो सेशन होते हैं सर, एक सेशन होता है एक महीने का, हर एक सेशन कितने महीने का, एक महीने का, एक मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में और दूसरी मीटिंग होती है जेनेवा में, ठीक है बेटा। और ये जो पहला सेशन होता है ये जो न्यूयॉर्क में होता है दूसरी जेनेवा में, तो पहले सेशन में जो है बात होती है सोशल और ह्यूमन राइट्स की, सोशल मैटर्स पे बात होती है, ह्यूमन राइट्स पे बात होती है, और ये जो दूसरा सेशन होता है उसमें बात होती है इकोनॉमिकल मैटर्स को लेकर और डेवलपमेंट के मैटर्स को लेकर। तो बेटा क्या कहा मैंने, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कितने सेशन है, दो सेशन है पूरे साल में, एक सेशन है न्यूयॉर्क में, दूसरा है जेनेवा में, पहला जो सेशन है उसमें सोशल मैटर्स ह्यूमन राइट्स पे बात होती है, और दूसरे सेशन में बात होती है इकोनॉमिकल मैटर्स पे, डेवलपमेंटल मैटर्स पे। ओके अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आर्टिकल नंबर 68 ये कहता है बेटा कि इकोसॉक के पास पावर है कि वो क्या करेगा, कि वो कमीशन सेटअप करेगा, ध्यान से सुनिएगा, कमीशन सेटअप कर सकता है इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स में लेकर। जाहिर सी बात है इकोसॉक का ना मतलब ही ये होता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इकोनॉमिकल एंड सोशल फील्ड्स को लेकर अलग अलग कमीशंस बनाने का भी काम कौन कर सकता है बेटा, इकोसॉक कमीशंस भी एस्टेब्लिश कर सकता है। और इसमें काम क्या होगा, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सीधी सी बात है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें, क्या बेटा मैं इलेबोरेट करूंगा। आर्टिकल 68 क्या कह रहा है कि कमीशन सेटअप करने का पावर है किसके पास, इकोसॉक के पास, ठीक है, क्या करेगा बेटा ये, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, इकोनॉमिकल और कई चीजें होती हैं। ओके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट आर्टिकल नंबर 69। ओके ये कहता है कि इकोसॉक शैल इनवाइट एनी मेंबर ऑफ द यूएन टू पार्टिसिपेट विदाउट वोट इन एनी ऑफ इट्स डेलिब्रेशन ऑन एनी मैटर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू दैट मेंबर।
ये है आपका आर्टिकल नंबर 69। ओके।